ये सपने और आवाजें आपको कब से परेशान कर रही हैं? यही कोई 3-4 महीनों से। हाँ, क्या दिखता है आपको? मुझे बड़े अजीब से सपने आते हैं। आराम से बताइए वो सारी बातें जो आपको परेशान करती हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं राइटर हिमांकर अजनबी बात कर रहा हूँ। ओ, वो फेमस राइटर। जी, फेमस का तो पता नहीं, लेकिन राइटर जरूर हूँ। हेलो सर, कैसे फोन किया? एक्चुअली मुझे अपनी नई बुक के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। हाँ जी सर, एक कवर पेज बनवाना था, तो ठीक है, हम कब मिल सकते हैं? आप कल आ जाइए। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और आप अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है जी। ओके ओके, बाय। ओके बाय। हाँ जी। आप पेंटिंग्स काफी खूबसूरत बनाती हैं। थैंक यू। एक्चुअली मुझे अपनी बुक के लिए एक कवर पेज बनवाना है आपसे। मुझसे? जी आप इतने बड़े राइटर हैं, इतने बड़े बड़े कलाकारों को जानते हैं, तो मुझे किसी नए कलाकार को ये मौका क्यों देना चाहते हैं? बात नए पुराने की नहीं है, बात कला की है। मैं काफी देर से न्यू टैलेंट की तलाश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। वो तलाश आज आप पर आकर खत्म हो गई। थैंक यू सो मच। आपकी काफी पेंटिंग्स मैंने आर्ट गैलरी में भी देखी हैं। ओके, वैसे मेरी कुछ पेंटिंग्स बाहर भी हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ जी श्योर। पहले चाय खत्म कर ले। जी जी जरूर। लो पानी पी लो। फिर क्या हुआ?
हाँ जी राइटर साहब, कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? हाँ जी खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? इस वीक हमारी बुक पब्लिश हो रही है। अच्छा। आपके कवर पेज की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा जी। बस आप पार्टी देने के लिए तैयार रहिए। पार्टी? हाँ हाँ, कल आ जाओ, कर लेते हैं पार्टी। कल मिलते हैं। ओके। और एक बात। हाँ? आपके लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अगर बता ही दिया तो सरप्राइज क्या रह जाएगा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर सरप्राइज। बाय बाय। ओके जी, कल मिलते हैं। बस इतनी इजाजत हमको दो, ये ख्वाब यूं ही हम बुनते रहे। तुम कहते रहो और कहते रहो, हम सुनते रहे, बस सुनते रहे। ये बात मेरे इकरार की है। मेरे दिल में कसक तेरे प्यार 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 की है। सरप्राइज क्या हो सकता है? सरप्राइज मैसेज करते हो। क्या आप मुझे उस सरप्राइज के बारे में बता नहीं बता सकते हैं क्या? नहीं, सॉरी। अच्छा, आप ये बताओ, आप कब आओगे घर पे? तो छोड़िए क्या। जिस सरप्राइज के बारे में मैं आपके साथ कल बात कर रहा था ना, ये है मेरी मंगेतर राधिका ओबेरॉय। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और ये बहुत स्वीट है। राधिका, यू नो शी इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा। लोग इनके बनाए कवर पेज की ज्यादा और मेरी बुक की कम तारीफ कर रहे हैं। उसको तुम्हारी बुक के कवर पेज बनाने का मौका मिला। यस। जहां पे तेरी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। उसके बारे में सोचना बंद कर दो, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं तो बता रही थी इसको कि तुम इसकी कितनी तारीफ करते हो। अरे भाई, तुम्हारे घर पे हैं, चाय पानी नहीं पूछे क्या? मैं तो भूल गई थी, अभी लाइक। मेरी आरज़ू है तू, तू है मेरा सुकून। चाहे जो भी हो, बस मेरा है तू। कहीं कोई गुनाह हम कर ना दे, तुम्हें हमसे जुदा।
करना दे, ये बात मेरे एतबार की है। फिर कभी मुलाकात हुई उन दोनों से? नहीं, लड़की से तो कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो मेरे पास हैं, मेरे साथ रहते हैं। जब से वो लड़की उन्हें धोखा देकर गई है, तब से वो सिर्फ मुझे प्यार करते हैं, सिर्फ मुझे। शुरू शुरू में तो बहुत प्यार करते थे उससे, लेकिन मेरे पास आने के बाद वो सिर्फ मेरे हो गए, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तेरा कभी नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहते हैं, कहीं बाहर जाते ही नहीं। मैं कितना कहती हूँ कि बाहर घुमाओ, लेकिन नहीं, वो उसी कमरे में रहते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे सिवा किसी को देखने का मन ही नहीं करता। पागल है वो, क्या करूं। मेरे दिल।